आप सबका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज बनाने वाली हूँ एक नई डिज़ाइन का पायदान, जिसके लिए मैंने 3 कलर लिए हैं। मैं उनसे बना रही हूँ, आप चाहे तो पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं, इसी डिज़ाइन का आप थाल पोस भी बना सकते हैं, पूजा का आसन भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। के लिए 20 फंदे डाल देती हूँ, फिर आपको 20 फंदे डाल दिए हैं। अब जितना भी बड़ा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, बट फंदे अपने जोड़ के हिसाब से डालना होगा। तो हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। हम अपनी पहली रो स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से 2 फंदे बनाएंगे, फिर यहाँ से कलर चेंज करेंगे, जो आप कुछ 2 फंदे, पहले 2 फंदे बनाएंगे, यहाँ से कलर चेंज होगा। इनके 16 फंदे बनाना है। 1 और 16 और लास्ट में 2 फंदे छोड़ देना है और यहाँ से वापस हो जाना है की तरफ, ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। बस हमारी 1 लाइन कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, ये 2 फंदे वाइट के बुन लेने हैं हमें, और यहाँ से फिर से हम कलर चेंज करेंगे। मैं ये ब्लू वाला ले रही हूँ। और 12 फंदे हमें ब्लू कलर से बुनने हैं और 4 फंदे ब्लैक के छोड़ देने हैं और यहाँ से रिटर्न हो जाना है। यहाँ से हम पलट जाएंगे और सीधी साइड हमें कुछ नहीं करना, जो कलर जैसा है उसे वैसे ही सीधा सीधा बुन लेना है। तीसरी लाइन बनेगी ब्लैक कलर से। हमें हर बार नीचे से 4 फंदा छोड़ते जाना है और हर लाइन में हमें कलर चेंज करना है। अपनी चॉइस के भी कलर ले सकते हो। ये 3 कलर में ही बनेगा, आप चाहो तो 2 कलर में भी बना सकते हो। क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ये सब छोड़े हुए फंदे को भी अब साथ में बुन लेना है। आगे देखिए कैसे करते हैं। इस वाइट धागे से हम सारे फंदे छोड़े हुए भी बुन लेते हैं। मैंने आगे से और पीछे से एक एक सिलाई लेकर कंप्लीट कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे। फंदे हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। देखो कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे एक, 2, 3 और 4। हमने 4 फंदे बढ़ा लिए और यहाँ से ही हमें शुरू करना है
पहले दो फंदे हम वाइट के बुनेंगे। यहाँ से हम ब्लैक कलर फिर से लेंगे। यहाँ से हम ब्लैक कलर ऐड करेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने दो फंदे छोड़ दिए हैं और यहीं से ही हम वापस हो जाएंगे। से सीधी सिलाई हम लास्ट तक बुन लेंगे। देखो फ्रेंड्स, फिर से चार फंदे छोड़ दिए, यहीं से हम वापस हो जाएंगे, सीधी सिलाई उतार लेंगे, फिर से दो फंदे वाइट के। यहाँ से फिर ब्लैक कलर लेना है हमें और लास्ट में फिर से चार फंदे छोड़ देने हैं। से चार फंदे छोड़ दिए, यहाँ से वापस हो जाना है और आगे से जो जैसा है वैसा ही बुन लेना है। हम ये वाइट कलर के सारे फंदे हम फिर से एक सिलाई आगे से और एक सिलाई पीछे से हम बुन लेंगे। एंड अब देखते हैं हमारे पास कितने फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और ये चार फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो है। अब इसको घटाना है। अब घटाएंगे कैसे? ये दो फंदे का एक कर दिया, ये हमारा पहला फंदा कम हो गया और इस पे फिर से इस दो करके ये हमारा दूसरा फंदा कम होगा, ये तीसरा और ये चौथा। हमने जो चार फंदे बढ़ाए थे वो चार फंदे घटा दिए। अब हमारे पास हो गए 20। जो हमने फंदे डाले थे 20 वो फिर से हो गए। ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है? यहाँ से हम ये वाली कली फिर से स्टार्ट करेंगे। और यही दो कली हमें रिपीट करते रहना है। यही दो कली हम लास्ट में दो मिनट बना ले तब तक यही कली हमें रिपीट करनी है पूरी की पूरी। अब यहाँ से हम ये दो फंदे वाइट के और यहाँ से फिर से हम ब्लैक कलर लगा देंगे और लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे। फिर दो फंदे दूसरी लाइन में दो फंदे फिर से वाइट और ये ब्लू लाइन बनाएंगे और फिर से चार फंदे छोड़ दें। हमें यहाँ दो और यहाँ दो रखने हैं एक ही लाइन में। ये दो और ये दो होके चार हो जाएगा और बीच में हम चार ब्लैक के, चार ब्लू, चार ब्लैक और चार ब्लू। इस तरह हम 1, 2, 3, 4, 4 बार 4 फंदे छोड़ते जाएंगे और फिर ये लाइन जो बॉर्डर हमने वाइट कलर से बनाई वो बना लेंगे। उसके बाद ये वाली बनाने के लिए ये लाइन कंप्लीट हो जाए, फिर चार फंदे बढ़ाने हैं हमें। उसके बाद चार चार करके फंदे छोड़ के ये कली कंप्लीट करनी है, फिर ये वाली। ऐसे हमारा डोरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना। बाय।